बस ठीक ठाक सर। चलो शुरू करते हैं। काफी लोग आ गए हैं वैसे, बाकी देख लेंगे जो आता रहेगा बीच में। तो आज का ना सर मैंने टॉपिक लिया है जो संक्रांति। आज वैसे कल 2 बजे के बाद लगी थी, लेकिन आज संक्रांति मान के चले, तो मैं उसी लिए मेरे को संक्रांति दोष के बारे में एक ना क्लिक किया दिमाग के अंदर कि संक्रांति दोष है जो एक बहुत सिंपल है चीज है और इसका मालूम होना चाहिए सबको। जो लोग स्टूडेंट हैं या जो मैं आगे पढ़ाऊंगा जिसके अंदर मतलब मैं संक्रांति दोष से लेके ग्रह युद्ध, अपना लीच के ग्रह, उच के ग्रह, जो भी इनके मतलब जो फल होते हैं, ग्रह युद्ध भी सुना होगा बहुत लोगों ने कि ग्रह युद्ध हो जाता है आपस के अंदर वो चीज, और योग, अब ये पंचांग है इसको लोग देखते नहीं है तकरीबन। जो ज्योतिष आचार्य हैं वो पंचांग को नहीं देखते। पंचांग जो कुंडली का पहला पेज होता है जिसके अंदर लोग बताया जाता है कि भी किस योग में पैदा हुआ है, किस करण में पैदा हुआ है, किस तिथि को, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो तिथि बनती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जो है कि प्रिडिक्शंस के अंदर। जैसे हमारे वार, वार भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस वार को पैदा हुए हैं, क्योंकि तो ये प्रिडिक्शंस के अंदर ना ये जो पंचांग है हमारा, जैसे पहले के जो ज्योतिष थे वो आधी प्रिडिक्शन तो पंचांग से कर देते थे, सभी को मालूम है ये। तो आज उसी में से मैंने पूरा पंचांग तो नहीं लिया है, लेकिन एक संक्रांति दोष जिसको अग्नि दोष भी बोला गया है, जो कि संक्रांति वाले दिन जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर एक दोष बोला गया है जो संक्रांति दोष के नाम से, या अग्नि दोष भी बोलते हैं जिसको। उसका रीजन ये है कि जब हमारे जो मतलब कि 12 संक्रांतियां आती हैं सबको मालूम है हर महीने, जिस वक्त सूर्य राशि परिवर्तन करता है अपना, एक राशि से दूसरी राशि को जाता है, तो उस परिवर्तन को, राशि परिवर्तन को ही संक्रांति बोला गया है मेनली। तो वो 12 आती है लेकिन 4 जो संक्रांतियां वो मेन है। 4 संक्रांति जो है कि हमारे मतलब ये जो होती है सूर्य की वो बहुत मेन होती है। जैसे कि पहली तो हम सभी जानते हैं मकर संक्रांति को, तो तकरीबन सभी लोग जानते हैं। ये इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन से हमारा जो सूर्य है वो उत्तर दिशा की तरफ जाना शुरू करता है, उत्तरायण हो जाता है दक्षिण से। आज के बाद से जो समय है दिन का समय 1-1 मिनट करके बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसलिए संक्रांति मनाई गई है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण संक्रांति आती है जो मेष संक्रांति। मकर संक्रांति के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो संक्रांति है उसको बोला गया जो मेष संक्रांति है, जो चैत्र के महीने में आती है, जिसमें हमारा जो है कि नया साल शुरू होता है। हिंदू कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो नया साल शुरू होता है वो चैत्र संक्रांति के बाद शुरू होता है, चैत्र महीने में, तो उसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उसके बाद है तुला संक्रांति। तुला संक्रांति वो है जब हम बिजनेस लोग, बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, जो हमारे कार्तिक के महीने में दिवाली के आसपास बिजनेस का नया साल चालू होता है, वो जो पुराने जो बही खाते सब रख देते हैं, वो जो संक्रांति वो तुला संक्रांति और एक कर्क संक्रांति, जो कि हमारे जो बीच के खाने हैं 1, 4, 7, 10। चौथी संक्रांति कर्क संक्रांति है, जिसमें कि जो हमारे जो ऋषि मुनि है या जो साधु संत है जो मेडिटेशन के लिए या साधना के लिए जाते हैं, वो जब कर्क संक्रांति होती है। तो चारों महत्वपूर्ण है। और संक्रांति के दिन जो है कि हमारा सूर्य, जो मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जो 12 राशियां हैं हमारी वो 12 ड्रेसेस हैं, 12 आदित्य बोला गया इनको, ये 12 ड्रेसेस हैं एक तरीके से हमारे सूर्य की, जो हर महीने वो चेंज करता है अपने कपड़े। जैसे हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, वो हर महीने जब अलग राशि में अलग वातावरण में जाता है तो वो चेंज करता है अपने कपड़े, उसको हम संक्रांति बोलते हैं। देखने का बहुत आसान तरीका है, किसी के भी चार्ट के अंदर जब सूर्य 0 डिग्री पे होता है किसी भी राशि के अंदर, वो संक्रांति बोली जाती है, क्योंकि वो दूसरी राशि के अंदर आया है, वो 0 डिग्री पे है। ये बहुत आसान तरीका देखने का। और जो संक्रांति वाले दिन ये बोला गया है कि जो इस वार को, जो वार है उस दिन, जैसे कि आज हम संक्रांति बोले तो कल संक्रांति 14 तारीख 2 बजे के बाद लग गई थी, तो जो बच्चे जो संक्रांति को कल को 14 तारीख को 2 बजे के बाद पैदा हुए हैं वो मकर संक्रांति को, संक्रांति वाले दिन पैदा माने जाएंगे।
और मकर राशि के अंदर आज भी सूर्य को देखोगे आप तो 0 डिग्री पे। तो इस दिन जो पैदा हुए, तो अब हमारा जो दिन पड़ा, जैसे जो बच्चे 2 बजे के बाद कल जो संक्रांति के दिन पैदा हुए हैं, तो कल दिन था हमारा शुक्रवार। तो वो जो वार है ना, जो वो बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर, क्योंकि जो वार है हमारे जो पंचांग के अंदर योग वार तिथि जो कि नक्षत्र और करण, ये 5 को बन के पंचांग बनता है, उसमें से जो वार है वो मंगल जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, और वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो हमारा सूर्य है वो प्रतिदिन एक ग्रह के द्वारा हमारी पृथ्वी पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तरीके से भी ले सकते कि एक कमरा है उसके अंदर जो है जहाँ सूर्य बैठे हुए हैं उनके 12 खिड़कियां हैं, वो डेली जो है सोमवार को एक खिड़की खुलती है, वहीं से हमें एनर्जी मिलती है। मंगलवार को जो मंगलवार वाली खिड़की है वो खुलती है, वहां से वो एनर्जी डिलीवर होती है। वो इस प्रकार से ले सकते हैं आप इसको। तो इसलिए जो वार पड़ता है उसका बहुत महत्वपूर्ण जो है कि एक मतलब कि एनर्जी के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, शास्त्रों में यह बोला गया कि जो संक्रांति पड़ती है तो उस दिन जो है कि सूर्य नग्न अवस्था के अंदर होता है, यानी कि वस्त्र उतार के दूसरे वस्त्र पहन रहा होता है जब 0 डिग्री पे होता है। तो उस वक्त हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई वो एनर्जी नहीं दे पाते, क्योंकि अगर आप उस अवस्था के अंदर है तो कोई भी कार्य करने के अंदर सक्षम नहीं होते। कोई आपको बोले कि ये काम कर दो, आप नहीं जा सकते उस अवस्था के अंदर, वो काम कर नहीं मतलब कर नहीं सकते। इस तरीके से ले सकते हैं, या आप इस तरीके से ले सकते हैं कि सूर्य ने एक वस्त्र पहन रखा तो उसकी एनर्जी जो है वो उसने अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रखे, वो सिर्फ इतनी ही एनर्जी छोड़ता है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो जो इंग्लिश की बुक्स के अंदर जो हमारे शास्त्र हैं उनके अंदर लिखा गया, तो बोला गया है कि वो राशियां ड्राई हो जाती हैं जिस दिन वो पैदा होते हैं कोई बच्चा। तो ड्राई मीन्स ये, या तो ये भी बोल सकते हैं हम कि जैसे कपड़ा उतारे, उन्होंने अपने कपड़े उतारे तो जो उसकी हीट है वो जरूरत से ज्यादा पावर के साथ उस दिन आती है जिस दिन संक्रांति होती है, तो वो राशि जल जाती है। राशि कौन सी जलेगी, जैसे कि आपका जो भी वार है, सबको मालूम है वार ग्रहों के हिसाब से रखे गए हैं। जैसे सोमवार है तो वो जो चंद्रमा है, मंगलवार जो है कि हमारे मंगल देव, सबको मालूम है 7 वार जो है 7 हमारे ग्रहों के ऊपर है। तो वो जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ है, आप में से कोई भी जो संक्रांति वाले दिन पैदा हुए हैं, उस दिन जो वार है उस वार को जो है कि आपने पकड़ना है कि भाई ये इस वार को पैदा हुआ, तो उस वार से रिलेटेड जो राशियां हैं वो जो है कि ड्राई हो जाती हैं, वो जीवन देने के लायक नहीं रहती। इस कॉन्सेप्ट को समझो कि उस दिन वो जो है कि जीवन देने लायक नहीं रहती, यानी कि वो राशियां काम नहीं करती। जैसे कि मान लीजिए कि संक्रांति वाले दिन कोई पैदा हुआ, उस दिन जो है कि सोमवार था, तो कर्क राशि हुई सोमवार के हिसाब से। तो जो कर्क राशि है आपके चार्ट के अंदर, जो उस बच्चे के चार्ट के अंदर या आपके किसी के चार्ट के अंदर जो संक्रांति को पैदा हुए हैं, जो कर्क राशि है वो कार्य नहीं करेगी। अब इसको इस तरीके से ले सकते कि मान लीजिए किसी के 5th हाउस में वो जो है कि कर्क राशि आ जाती है, बच्चा संक्रांति वाले दिन पैदा हुआ, सोमवार को पैदा हुआ कर्क राशि, और वो 5th हाउस के अंदर आ जाती है, तो उस जो बच्चा है उसको जो कि बच्चे होने में आगे दिक्कत आएगी, या बच्चों से दिक्कत आएगी, या पढ़ाई के अंदर दिक्कत आएगी, क्योंकि जो वो कर्क राशि है उसकी जो कि एनर्जी ड्राई हो चुकी है, वो सूख चुकी है, वो अपने फल देने में सक्षम नहीं है। इसी प्रकार से अगर किसी का जो है कि शनिवार को जन्म होता है, तो 2 राशियां हो जाती हैं। मान लीजिए किसी का 7th हाउस और 8th हाउस के अंदर वो राशि पड़ जाती है, कुंभ और मकर, और शनिवार को किसी का जन्म हुआ, संक्रांति वाले दिन जन्म हुआ, शनिवार पड़ जाता है उस दिन, तो वो कुंभ और जो मकर राशि है 7वें और 8वें पड़ गई, तो उसकी मैरिज होने में दिक्कत अगर हो जाएगी तो मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी बहुत ज्यादा, सेक्सुअल लाइफ खराब, क्योंकि 8th हाउस इनहेरिटेंस, उसके इन लॉस, उन सबसे उनको प्रॉब्लम रहेगी, वो राशियां अपने जो रिजल्ट है वो नहीं दे पाएंगे। संक्रांति का मेन जो दोष है वो इस वजह से है
इसके अंदर लेकिन ये बोला कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए राखियां जो है जो संक्रांति वाले दिन पड़ती है बहुत ही उत्तम होती है। और अगर किसी का संक्रांति वाले दिन जन्म हुआ है तो उसको करना क्या है? चलो ये तो अब मालूम चल गया कि भाई ये संक्रांति है और जो इसका ये दोष हो गया, ये राशियां खराब हो गई, जैसे फोर्थ हाउस किसी का खराब है तो वो सेटल नहीं हो पाएगा, अपना मकान नहीं लेके सेट नहीं हो पाएगा। जैसे ही मकान बनाएगा उसको कोई ना कोई ऐसा कार्य हो जाएगा या कोई पोस्टिंग हो गई या कोई काम और कहीं मिल गया, वो उस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा, उसको उस मकान का सुख नहीं ले पाएगा, वो एक जगह सेटल नहीं हो पाएगा। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि जो राशि वहां पर पड़ती है, जो जैसे जो राशि आपकी पड़ी, जो भी आपके संक्रांति दोष की वजह से जो राशि आ गई है, उसका जो स्वामी है, जैसे शनि कुंभ और मकर अगर पड़ती है तो शनि है, तो शनि के आराध्य देव की पूजा करनी है। आपने किसी भी देव को पूज सकते हो, उसको कर्क राशि है तो उसके अध्यात्म के साथ जुड़ोगे तभी वो संक्रांति दोष थोड़ा बहुत कम होगा, नहीं तो संक्रांति दोष ने आपके चार्ट के अंदर रहना है, वो चीजें आपको नहीं मिलेगी। क्लियर कट है, समझ आ गया सबको? किसी कोई क्वेश्चन हो इससे इससे संबंधित? जी क्लियर है, क्लियर है ना? ठीक है, अगर किसी ने अपना किसी का है, आप बता रहे थे रजनी जी, आप बता रहे थे ना आपके पास चार्ट है, डॉक्टर का है ना, बच्चे का ही है उसका, बिटिया का है, कल का ही था उसका, 3 बजे का होता है शाम का। नहीं नहीं, जब पैदा हुए थे वो, तो वो मतलब उस दिन वार कौन सा था? संडे था ना सर, संडे था, तो जो 5 नंबर लियो राशि कहाँ पड़ती है उनकी? तो फोर्थ हाउस में पड़ गई ना उसकी, तो फोर्थ हाउस है तो घर का सुख, अपना मकान बना के रहना, वो उसको मतलब की डोमेस्टिक पीस नहीं मिलेगी। वो जब भी कहीं सेटल होने की कोशिश करेंगे उनको जो है कि कोई ना कोई कार्य हो जाएगा, कोई ऐसी बात हो जाएगी, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, सेटलमेंट में दिक्कत आएगी, घर बनाने में स्पेशली से। हाँ, घर मतलब फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें सुख सुविधाएं मतलब, हाँ परेशानी से, हाँ मतलब क्या है, परेशानी से मिलेंगी, लेकिन जैसे उन्होंने ली उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे होता है ना कई बार की गाड़ी वाड़ी सब कुछ बना लिया बंदे ने, खरीदा, उसके बाद वो यूज नहीं कर पाया उनको, वो दिक्कतें आएंगी। तो इसके अंदर जो है कि आपको जो फोर्थ हाउस है, तो आप लियो साइन बोला ना आपने, हाँ जी लियो आ गया उसका, हाँ लियो साइन है ना, तो वो संक्रांति वाले दिन लियो साइन था, तो उसको लिए आप नरसिंह भगवान जो है उनकी पूजा रेगुलरली कीजिए, वो उससे क्या होगा कि वो अध्यात्म के साथ जुड़ोगे तो वो जो उस राशि को पावर वही दे सकते हैं। ठीक है सर, ये उसका इलाज है। ठीक है, क्योंकि अध्यात्म उन्नति की वजह से ही आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो सर ये भी हो सकता है कि हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा होंगे ऐसे लोगों को? हाँ, मतलब ऐसे फोर्थ हाउस है ना, जैसे अगर वहां पर इन्फ्लेक्शन है, हाँ जी, जैसे फोर्थ लॉर्ड अगर आपका जैसे सन है, अगर वो इन्फ्लेक्शन में है ज्यादा, या वो सिक्स्थ हाउस के अंदर चला गया, सिक्स्थ लॉर्ड के साथ चला गया, तो वो बीमारियां तो दे गई, फिर वो बीमारियां जो है कि डिकोड नहीं हो पाएंगी या बहुत ज्यादा फैल जाएंगी, उस तरीके से प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि क्योंकि अगर इसका लियो फोर्थ में पड़ता है तो वो जाके बैठता है एट्थ में, एट्थ हाउस के अंदर है, जन्म कुंडली के एट्थ हाउस के अंदर है। हाँ जी हाँ जी, तो वो क्या, नहीं नहीं वैसे तो उसका लग्ना में तो मेरे को 9th में ही दिखता है वो, लेकिन 0 डिग्री का है तो वो पीछे आ जाएगा ना सर, फिर वो नहीं, तो उसको मत कंसीडर करो, 0 डिग्री मीन्स उस राशि के अंदर 9th में ही देखो, मतलब उसमें ही देखो मैं अपना। हाँ, क्योंकि जो संक्रांति दोष, संक्रांति दोष हम ले रहे हैं तो ये हम वैदिक के हिसाब से ले रहे हैं। इसमें तो चलित आप कह रहे हो पहले हम राशि देखेंगे कि राशि कहाँ पे आ रही है, सिंह, ठीक है, सिर्फ उसी को, उसके ग्रह को मत देखो कहाँ गया हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रह को सिर्फ देखना ये है कि वो जैसे आप लियो आपका कौन सी राशि में गया हुआ, तो उस भगवान को लेना है, या जो आपका साइन है उसको लेना, तो जिस राशि में गया हुआ उस भगवान को लेना आप। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि राशि खराब ड्राई होगी जिस राशि के अंदर आपका जन्म हुआ है संक्रांति दोष के अंदर। हाँ, अब मेरे को समझ में आ रही है, क्योंकि ना इसको हेल्थ इश्यू तो बहुत ही ज्यादा रहे हैं, मतलब समझ लो कि 21 साल की हो गई है, तो अभी तक भी इसकी दवाई एक दिन भी बंद नहीं हुई कभी। हाँ, तो वो उनको बोलो कि जो जहाँ पर भी सूर्य है, या आप नरसिंह भगवान को जो उनका साइन है, उसको आप अध्यात्म की तरफ ले जाओ उनको, मतलब अध्यात्म मीन्स जो पूजा पाठ में या उस भगवान की तरफ आस्था ज्यादा हो,
जिससे कि वो जो है कि वही निवारण है। कोई मतलब आप कह रहे हो रेगुलर दवाई चल रही है तो वो उनसे वही छुड़ा सकते हैं, नहीं तो उसका कोई निवारण नहीं है इसमें। कोई भाई कोई उपाय कर दें या कोई जैसे पंडित जी बोल देते कि हवन करा लो या कुछ और करा लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि उसको इसलिए बोला गया कि उसमें एनर्जी ज्यादा या कम, जो भी मतलब कमजोर बोला गया, लेकिन ड्राई इंग्लिश के वर्ड बता रहा हूँ, इंग्लिश की बुक्स के अंदर ड्राई लिखा हुआ है, यानी कि उसके अंदर या तो हीट ज्यादा हो गई। ये जो आपने बात बोली है ना, ये मतलब इतने 1000% सच है कि ये जो सन को फादर भी कहा जाएगा है ना, तो जैसे अब फादर इनके शुरू से दूर रहे हैं तो सबने जैसे अब एज ए सबको वो चीज का ना मतलब बिल्कुल ब्लैंक चार्ट है, वो फादर वाला चैप्टर ही खाली है। हालांकि बैक से सपोर्ट है लेकिन वो फ्रंट सिर्फ मैं ही हूँ। वो ऐसा है ना कि देखो अब कार तो भी ले लो, हाँ जी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी, जैसे हमने हाउस तो ले लिया, अब सन को ले लो, स्टेटस के अंदर, उच्च पद प्राप्त करने के अंदर, क्योंकि जो सूर्य है अभी इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं ना, अभी तो हमने राशि पढ़ ली, ये राशि खराब है। अब इसके बाद जो दिन पड़ा है उसके हम कार तत्व को भी लेंगे, जैसे सूर्य किस चीज का है, पिता का हो गया, बिल्कुल बिल्कुल स्टेटस हो गया। इसके साथ जो है, इसके साथ एक और पंगा क्या होता है शुरू से, कि इसके साथ शुरू हुए सबके, इसके साथ एक बारी गवर्नमेंट का पंगा जरूर होता है इसके सर्टिफिकेट्स में। हाँ गवर्नमेंट का पंगा रहेगा सूर्य। तो ये इतनी बड़ी चीज इसकी वजह से हो रहा है सर, मैं ये सिर्फ इसके लिए हो रहा है, इसको कुछ भी नहीं कर सकते आप, इसको सिर्फ ये एक ही इलाज है, इसको जो है कि अध्यात्म की तरफ उस ग्रह की तरफ जाना है, सारे सॉर्ट आउट हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है ठीक है, क्योंकि इन चीजों को देखते नहीं ना लोग, मतलब ध्यान नहीं देते, ये तो सबको मालूम है संक्रांति दो संक्रांति वाले दिन पैदा हुए हैं, बल्कि लोग खुशी मनाते हैं कि अगर मान लो 14 को तारीख को बात हो रहा है, आज तो हमारा त्योहार है, 14 तारीख को जिनका होता है मतलब मकर संक्रांति वाले जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, आज तो हाँ आज तो मुझे सारे यही कहते हैं बहुत अच्छा दिन है बहुत। लेकिन इसकी लाइफ में 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो जिसका हल ही नहीं समझ में आया मुझे आज तक, आज समझ में आया कि क्या है वो लफड़ा। हाँ तो मैं इसीलिए ये नॉर्मल चीजें थी, मतलब और खोल के जब चलेगा ना अपना वो, ये तो मैंने बता दिया, ये तो संक्रांति दोष एक पॉइंट लिया है वार का, इसके अलावा और कुछ अमावस्या है, जैसे अमावस्या को पैदा हुआ है, अष्टमी है, बहुत चीजें हैं सबके अलग अलग। एक तो ये था जो कि मेरे को लगा था कि भाई संक्रांति थी तो मेरे को अचानक इसीलिए मेरे को हुआ कि यार नहीं पढ़ा देते हैं। अच्छा, थैंक यू।